जनरल आज हम बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। आज हम बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, अग्नि 5 की एक यूनिट की कॉस्ट है 50 करोड़ रुपया, और अग्नि 5 की पूरी वजन जो है 50,000 से लेकर 55,000 किलो तक है। अग्नि 5 का फ्रेंड्स जो डायामीटर है, फ्रेंड्स अग्नि 5 की डाया 2 मीटर है, और अग्नि 5 जो कि उसका लेंथ है वो 17.5 मीटर है। और अग्नि 5 न्यूक्लियर वारहेड और किसी भी तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है, और अग्नि 5 1500 kg तक वारहेड ले जा सकती है एक बार में। और फ्रेंड्स, अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट से चलती है, और अग्नि 5 का जो प्रोपेलेंट है वो सॉलिड फ्यूल है। और फ्रेंड्स, अग्नि 5 की जो रेंज है वो 55,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक है। और फ्रेंड्स, अग्नि 5 की जो स्पीड है वो फ्रेंड्स 24 मैक है। और फ्रेंड्स, आपको बताते हैं इसके बारे में, अग्नि 5 की जो गाइडेंस सिस्टम है वो रिंग लेजर जेरोस्कोपिक गाइडेंस सिस्टम है, और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, और ऑप्टिनली ऑग्यूमेंटेड बाय GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अग्नि 5 की जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर से लेकर 40 मीटर के अंदर है। और फ्रेंड्स, जो अग्नि 5 का लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो 8x8 टेट्रा टेल एंड रेल मोबाइल लॉन्चर है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि अग्नि 5 में MIRV तकनीक लगा हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स MIRV तकनीक के कारण अग्नि 5 की ताकत और दोगुनी हो गई है। इसके कारण अग्नि 5 में ये एडवांटेज मिला है कि इस तकनीक की मदद से मिसाइल एक साथ कई जगहों पर वार कर सकता है, और यहाँ तक कि अलग अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमले कर सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स, अग्नि 5 का इस्तेमाल बेहद ही आसान बना दिया गया है। इसे किसी भी परिवहन से, यानी इसे रेल से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे सड़क वाहन से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे हवा से भी, फाइटर प्लेन के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे हम चाहे तो पानी यानी कि समुद्र से भी इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं, और इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। MIRV तकनीक की वजह से, और अग्नि 5 में इतने ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसके कारण उसे कहीं भी चलती हुई रेल से और चलती हुई गाड़ी से किसी भी जगह से इस तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। इस कारण इससे ये फायदा होता है फ्रेंड्स कि इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। यदि कोई भी मिसाइल या कोई भी रडार, किसी भी दुश्मन की रडार इसे इंटरसेप्ट करना चाहेगी तो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। वो इसलिए कि ये चलती गाड़ी, चलते ट्रेन और कहीं से भी ये लॉन्च की जा सकती है। ये एक मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे इतना आसान कर दिया गया है जिससे कि किसी भी दुश्मन को समझने में इतना समय लग जाएगा कि तब तक अग्नि 5 मिसाइल उसके टेरिटरी में आतंक मचा देगी। और फ्रेंड्स, अग्नि 5 की खासियत यह है कि ये एक साथ कई वारहेड्स ले जा सकती है, और एक साथ मल्टीपल प्लेसेस पर एक साथ ही अटैक कर सकती है। यानी एक साथ इसमें 10 यदि वारहेड हम लगा दें तो ये 10ों वारहेड को एक साथ ले जाएगी, और उसे 10 जगहों पर यदि हम टारगेट इसमें सेट कर दिया जाए तो 10 जगहों पर इंडिपेंडेंटली 10ों टारगेट अलग अलग जगह जाकर हिट करेंगे। और यही इस MIRV तकनीक की खासियत है, और यही अग्नि 5 की जो खासियत है, इसी कारण चाइना भी इंडिया से डरने लगा है।
और इसी कारण चाइना भी अग्नि 5 मिसाइल का विरोध कर रहा था यूएन में। जैसा कि फ्रेंड्स अग्नि 5 की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इससे ये फ़ायदा होता है कि इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स जैसा कि इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोपिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसके कारण इसकी नेविगेशन कैपेबिलिटी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स अग्नि 5 को हम देश के किसी भी कोने में तैनात कर सकते हैं, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती है। जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैपेबिलिटी जो कि 10 मीटर से लेकर 40 मीटर के अंदर है, जो कि चाइना के डोंगफेंग 4-1 मिसाइल की जो एक्यूरेसी कैपेबिलिटी है वो 100 मीटर CEP है, और इंडिया की उससे एक्यूरेसी कैपेबिलिटी 10 से 40 मीटर CEP के अंदर है। इसलिए इंडिया की अग्नि 5 चाइना की डोंगफेंग 41 से बेस्ट है।